दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं कि आप अपने मोबाइल को माइक कैसे बना सकते हैं। जी हां फ्रेंड, मोबाइल को माइक कैसे बना सकते हैं। माइक आपको तब जरूरत पड़ेगी कि जब आप अपने घर में अपने बच्चे का या किसी का भी बर्थडे करते हैं और होम थिएटर द्वारा यदि आप गाना बजाते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक माइक होता तो और मजा आ जाता। तो आप अपने फोन को माइक बनाकर बिल्कुल ही डीजे का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आप अपने फोन को माइक बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। सिर्फ एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उस एप्लीकेशन से आप अपने फोन को माइक बना सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आप नहीं जानते हैं और जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए तो आप समझ जाइएगा कि कैसे मोबाइल से माइक बनाया जाता है। दोस्तों इस ट्रिक को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ से लाइक करना है, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ पे घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबा के आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मोबाइल से माइक बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का क्या नाम है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और जाने के बाद में यहाँ पर प्ले स्टोर पे आपको जाकर यहाँ पर दोस्तों आपको माइक लिखकर सर्च करना है। जैसी फ्रेंड माइक लिखकर सर्च करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माइक्रोफोन का एक ऑप्शन आएगा, इस एप्लीकेशन पर आपको आ जाना है और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं दोस्तों 10 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है, यानी 1 करोड़ लोग इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों यह एप्लीकेशन वर्क करता है। आपको किसी भी दूसरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, आपको इस माइक्रोफोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली ओके कर देना है। जैसे फ्रेंड ओके करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों यह काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा हेडफोन होता है, हेडफोन में एक ये कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड को दोस्तों आपको पहले लगाना होगा। जी हाँ फ्रेंड, आप जैसे होम थिएटर का कॉर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे कि होम थिएटर आप चला रहे हैं तो उसमें भी एक कॉर्ड लगाने का जगह होता है, तो इसको आपको कॉर्ड को लगाना है और इस बटन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ये पहले व्हाइट कलर का था, अब कुछ अलग कलर का हो गया है। अब आपका जो माइक है काम कर रहा है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हेडफोन लगाया हूँ, कुछ भी बोलूंगा तो इस हेडफोन में सुनाई देगा। यह तो हो गया कि दोस्तों कि हेडफोन का तरीका। अब मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए आप कोई डीजे में, यानी आपके पास होम थिएटर है और आप होम थिएटर में मान लीजिए कि इस माइक को लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला कॉर्ड आपको यहाँ पे लगा देना है और एक कॉर्ड आपको यहाँ पर और देखने को मिलता है, इस कॉर्ड को आपको अपने होम थिएटर में लगाना है। और लगाने के बाद में इसके बाद दोस्तों आपको इस बटन पे एक बार क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है चेंज हो जाएगा। यदि आप इस माइक के आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर आप अपने हिसाब से माइक आइकन रख सकते हैं। देखिए ये बंद हो गया और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यह ऑन हो गया। अब आप अपने फोन में कुछ भी बोलेंगे तो जो आपका आवाज है, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं उसमें चला जाएगा। होम थिएटर में कनेक्ट किए हैं तो होम थिएटर में जाएगा, और आपने हेडफोन से कनेक्ट किए हैं तो हेडफोन में जाएगा। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग पे ऑप्शन पे आके आपको यहाँ से आवाज बढ़ा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वर्क करता है, मैं खुद अपने घर में यूज कर इसको देखा हूँ तो ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फ्रेंड आप अपने फोन को माइक बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इस एप्लीकेशन द्वारा बना सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।